न्याय के लिए धरना प्रदर्शन। वाराणसी के फूलपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 8 अगस्त की रात को एक 8 वर्षीय बालिका के साथ हुई बलात्कार की घटना को लेकर पुलिस द्वारा अभी तक केस का खुलासा न कर पाने को लेकर बालिका के परिजनों ने आज दिन के 10:30 तहसील पिंडा के मेन गेट पर चितचिलाती धूप में बच्ची के साथ धरने पर बैठे गए। बच्ची की मां ने बताया कि आज लगभग एक महीना बीत जाने के बाद भी शासन प्रशासन से कोई न्याय नहीं मिला। यहां तक कि 15 दिन तक इलाज हुआ, इलाज में सरकार से कोई मदद नहीं मिली। इसी को लेकर आज बच्ची के परिजनों ने तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया। मौके पर CO पिंडा अभिषेक पांडे, SDM पिंडा ग्रीष्म कुमार त्रिवेदी, तहसीलदार रामनाथ और इंस्पेक्टर फूलपुर मौके पर पहुंच लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि वकीलों ने भी पीड़ित परिवार का साथ देते हुए कहा कि तत्काल इस मामले का खुलासा होना चाहिए, यह अदन्य अपराधों में है। वही पीड़ित बच्ची के पिता ने बताया कि CO साहब ने 4-5 दिन में मामले का खुलासा करने का आश्वासन दिया है। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार राजभर। क्या है मामला आपका? आज आप लोग तहसील पर धरने बैठे थे, क्या मामला है? हमारे बच्ची के विषय में जो है 8 अगस्त का मामला है जो है, और एक महीना हो गया प्रशासन को जो है कि कहे हुए हुआ था लिखाए हुए, मगर अभी कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है क्या हुआ था। मामले का खुलासा नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ। तो धरने पर बैठने का कारण आप लोगों क्या है? बस यही कि हम सबको कुछ नहीं प्रशासन द्वारा पता चल पा रहा है, एक महीना हो गया कि मतलब कुछ भी प्रशासन नहीं बता रहा है ना, उस विषय में कुछ कोई पकड़ गया सबको, मगर जो है कुछ भी नहीं पता चल पा रहा है। तो आज आप लोग CO साहब से मिले, CO साहब ने क्या कहा? CO साहब ने आश्वासन दिया है। कितने दिन के अंदर कार्रवाई करने का? कुछ भी अभी नहीं बता पा रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो है कि एक महीना दो महीना ऐसे लग सकता है, कुछ बता नहीं रहे हैं सर जो है, और कुछ पता भी नहीं चल पा रहा है। उन्हीं का आश्वासन आप लोगों का धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ? जी, आश्वासन दिए हैं, अब फिर नहीं कुछ हुआ समझ में आएगा तो फिर क्या करेंगे, फिर हम और आगे बढ़ेंगे। हमें